सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को फ्रॉड करार देते हुए गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है। आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उससे जुड़े चार अहम सवालों के जवाब समझते हैं। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस केस के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2018 में सीबीआई कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इन 11 दोषियों में से एक दोषी राधे श्याम भगवान दास शाह ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमीशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग की थी। जुलाई 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, इसलिए रिहाई की अपील भी वहीं की जानी चाहिए। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे क्योंकि अपराध वही हुआ था। कोर्ट के निर्देश पर ही गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने 11 दोषियों के रिमिशन यानी समय से पहले रिहाई के पक्ष में फैसला दिया था और 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा माफी का अधिकार नहीं है? दरअसल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 432 के तहत उपयुक्त सरकार किसी अपराधी की पूरी सजा निलंबित कर सकती है या उसका कुछ हिस्सा माफ कर सकती है। इसी का इस्तेमाल करके गुजरात सरकार ने इसके 11 दोषियों को रिहा किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 432 के प्रावधान की तरफ ध्यान दिलाया। इसमें कहा गया कि उपयुक्त सरकार जल्दी रिहाई के आवेदन पर सजा देने वाले जज की राय लेकर ही फैसला करेगी। जस्टिस वीवी नागरत्ना ने कहा, कानून बनाने वाले की मंशा यही थी, उपयुक्त सरकार वही होगी। इस राज्य में दोषी का ट्रायल चला और सजा हुई यहाँ जोर सजा वाली जगह पर है, ना कि जहाँ अपराध हुआ। सिर्फ इस शॉर्ट ग्राउंड पर ही दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द करना होगा। गुजरात सरकार इस फैसले के लिए उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के कृत्य को फ्रॉड क्यों कहा और मई 2022 के फैसले पर सवाल क्यों उठाए, अब इसे समझते हैं। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से सजा माफी पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने ये निर्देश दोषी राधे श्याम शाह की रिट पिटीशन पर दिया था। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में तभी याचिका लगाई जा सकती है जब किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो। इस पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन करने वाले सारे फैक्ट्स छुपाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी ने कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए मई 2022 का आदेश फ्रॉड की वजह से लिया गया था और निरर्थक था। दोषियों को रिहा करने में कानून का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने शक्तियां ना होते हुए भी इनका इस्तेमाल और दुरुपयोग किया। इस आधार पर भी समय से पहले रिहाई का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश रद्द कर दिया। अब आगे क्या होगा ये भी जानते हैं। इसी लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में प्रोसीजर पर सवाल उठाया है, लेकिन सरकार की शक्तियां पर नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पास अपील होती है तो सरकार दोषियों को रिहा कर सकती है। इस फैसले के बाद सबसे पहले दोषियों को ट्रायल कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोई याचिका आती है तो नए सिरे से उस पर सुनवाई होगी और उसी के आधार पर आगे फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।